इन दिस व्लॉग, तो इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कैसे मैंने जन्माष्टमी की तैयारी करी, कैसे मैंने टीचर्स डे पे केक काटा एंड कैसे मेरे दांत दर्द हो रहा था तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा एंड उसके बाद मैंने कैसे रात के 12 बजे हैप्पी बर्थडे टू कान्हा सेलिब्रेट किया और फिर मैंने राधा का गेटअप किया। बस यही सब है इस व्लॉग में। व्लॉग को एंड तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज जन्माष्टमी और बज रही है 11:30 और हम लोग तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी मनाने के, और ठीक 12 बजते ही हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। और आप सभी को भी बहुत सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो तैयारी में नहीं दिखा पाई थोड़ी सी, हमने यहाँ पे डेकोरेशन कर लिया है रूम का और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को कान्हा जी दिखाऊंगी मैं। एंड तो मैं फटाफट से करती हूँ तैयारी जन्माष्टमी से मनाने की, तब तक आप लोग देखिए कल 5 तारीख को मैंने टीचर्स डे कैसे मनाया और थोड़ा सा हम कल का व्लॉग देखते हैं, फिर उसके बाद हम आज का सेलिब्रेशन करते हैं। चले दोस्तों। तो आधी रात को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और दांत का दर्द सहन ही नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट डे मुझे भागना पड़ा हॉस्पिटल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे दांत ना बहुत दर्द हो रहा है और ये पूरा सूज गया है। डॉक्टर को दिखाने आई हूँ, बट डेंटिस्ट भी शाम को बैठता है, बोला है। तो तब तक मैं और रूटीन चेकअप करा लेती हूँ, ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि दांत का क्या होता है मेरे। ओके, सूज गया ना, सूजने के बाद ही मेरे गाल को देख के लगने लगे सूजा होगा ये, जबकि पूरा सूजा हुआ है। पर ना हॉस्पिटल तो आने में कोई दिक्कत नहीं, पर जब वेटिंग लिस्ट होती है ना, थके मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ यहाँ पर अपने नंबर का, कोई भी नहीं है जबकि तब भी ना नंबर। तो सब कुछ टेस्ट वेस्ट कराने के बाद, बहुत देर तक तो वेटिंग लिस्ट में लगने के बाद, डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन की दवाई खाओ एंड देन फिर जाना डेंटिस्ट के पास। एंड टीचर्स डे भी था तो मैं अपनी मामी के लिए केक लेके गई। एक्चुअली टीचर्स तो मेरी लाइफ में बहुत सारे आए और गए, बट जो एक इंस्पिरेशन जस्ट होता है कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो मेरे लिए मेरी मामी जी है और वो बचपन में टीचर भी रही है मेरी। एंड एक आइडियल टीचर थी कि जिनको जिनको देख के मुझे लगता था कि हाँ यार टीचर ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को पूरा सपोर्ट करती थी। तो इसीलिए हम टीचर्स डे मनाने गए अपनी मामी जी के घर एंड उनके संग हमने सेलिब्रेट किया। तारा मैम, हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा टीचर डे आज मदर डे नहीं यार, आप बोल बाजी बोल दिया आप, हाँ बोल दिया। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल जिन्होंने भी हमें कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखाया, उन सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी मनाने की तैयारी और टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 12 बजे नहीं अभी, तो वही प्रसाद वगैरह बनाना था, तैयारियां करनी थी बहुत सारी, तो इसलिए नहीं दिखा पाए आप लोगों को सब कुछ। तो चलिए अब हम करते हैं जन्माष्टमी मनाने की तैयारी, और पहले मैं पूजा की थाली सजा लेती हूँ, देन उसके बाद हम आगे की सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे पूजा की थाली सजा रही हूँ और मैंने आज घाघरा चोली पहना है, थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पूजा की थाल बना लेते हैं, आरती की थाली बना लेते हैं, फिर उसके आगे की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फूल माला वगैरह सब ला दिया था। एक्चुअली मेरे दांत में थोड़ा सा अभी भी स्वेलिंग है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा तैयारी लेट होगी मेरी। चलिए, और दांत की दवाई खाने के बाद मेरे फेस पे स्वेलिंग और ज़्यादा आ गया था, तो मैंने फिर और दवाइयाँ खाई एंड दवाइयों की वजह से हैंगओवर भी हो रहा था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज रात को बर्थडे मना पाऊँगी कान्हा जी का। देन जैसे तैसे करके मैंने देखा कि मेरी स्वेलिंग कम हो गई, शाम होते होते वो कम हो गई एंड ब्रीम भी चमत्कार हो गया समझो। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा दांत दर्द हो रहा था, आप लोगों को मैंने बताया था कि कल भी पूरे दिन डॉक्टर पे गए, आज भी पूरा दिन ये पूरा सूजा हुआ था, अभी जाके थोड़ा सा कम हो गया है, अदरवाइज तो पूरा डबल था। तो मुझे लगा था कि शायद मेरी हालत ठीक नहीं है, तो क्या पता मैं नहीं मना पाऊँ जन्माष्टमी, बट कृष्णा भगवान चाहते थे कि मैं मनाऊँ और मेरे को तो दर्द ने ठीक कर दिया, और अभी मैं तैयार भी हो गया गई हूँ। अभी कान के झुमके वगैरह पहनने बाकी है, फिलहाल मैं बर्थडे की पूरी सेटअप कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है, ये है मेरी भोग की थाली, ये है आरती की थाली,
अभी उनके वस्त्र की थाली रहे हैं अभी 12:15। बजावे मुरली मधुर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।